Good morning, students. Yesterday we had read that this that. I hope you understood this that. Now once again, जो single thing, place और person है उस जो और जो हमारे पास है उसके लिए this लगाना है. जो single thing, place, person हमसे दूर है उसके लिए हमने that लगाना है. Okay? Now today I'm going to teach you these and those. These and those are used for objects that are many. You see, one के लिए हमने this और that लगाया था. अब these those हमने many के लिए use करना है. Okay? जब हमें बहुत सारी चीजें places person दिखाई देंगे वहाँ पे हमने many लगाना है. We use these are to show things, places or people near us. Many things, places or people अगर हमारे पास हैं आसपास हैं तो हमने उनके साथ these लगाना है. We use those are to show things, places or people far from us. और many things, places or people अगर हमसे दूर हैं far हैं तो उसके साथ हमने those लगाना है. For example, observe the picture. Okay? इसमें से आपने बताना है ये अमित है. अमित के आसपास जो भी है किसके साथ these लगाना है और किसके साथ those लगाना है. जो अमित के पास है उसके साथ हम दीज लगाएंगे और जो अमित से दूर है उसके साथ हम दोज लगाएंगे. तो दिस इज अमित. अमित के आसपास देखो अमित के पास पास है जो नियर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं. बुक्स ये मैनी बुक्स है ना. टॉयज मैनी टॉयज. गर्ल्स मैनी गर्ल्स. अब मैनी के साथ हमने क्या लगाना है दीज. अब ये बुक्स है इसको क्या बोलना है दीज आर बुक्स. अब स्टूडेंट्स आपने ये भी ध्यान रखना है कि दिस के साथ हम इज लगाते थे अब दीज दीज के साथ हमने आ लगाना है. मैनी के साथ आ. ओके दीज आर बुक्स. दीज आर टॉयज. These are girls. Okay? और अमित से दूर क्या क्या है. Trees, cows, houses, clouds, birds. Okay? तो जैसे आपने इसके sentences बनाए थे वैसे ही इसके भी आपने सेंटेंसेस जो है वो खुद बनाने हैं. इसे ट्रीज तो जो दूर है इससे उसके साथ क्या लगाना है दोज. तो दोज के साथ भी क्या आएगा आ. दोज दोज आ ट्रीज. दोज आ काउज. दोज आ कलरफुल हाउसेस. दोज आर बर्ड्स इन द स्काई. दोज आर क्लाउड्स इन द स्काई. तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आपने ये सेंटेंसेस सारे बनाने की खुद प्रैक्टिस करनी है. ओके दीज वाले भी बनाने हैं और दोज वाले भी बनाने हैं. नेक्स्ट पार्ट सी. This is Mohit's classroom. Okay, observe the picture and see if Mohit is near or far from the things he is talking about. Okay, tick the right option. आपने जो इस पे picture को observe करना है और नीचे आपको जो sentences दिए हुए हैं उसमें आपने जो right है उसके ऊपर tick करना है. जो हमारे पास है
सिंगल है तो उसको दिस लगाना है, जो हमारे पास है दूर है सिंगल है तो उसको दैट लगाना है, ओके। वैसे ही अगर जो हमारे पास है मैनी है तो उसके साथ दीज लगाना है, जो दूर है मैनी है तो उसके साथ दोज लगाना है, ओके। तो आपने सही ऑप्शन पे टिक करना है। इसमें हमें दैट और दिस दोनों ऑप्शंस दी हुई हैं, आपने सही पे जो करेक्ट है उसके ऊपर टिक लगाना है। दैट दिस इज अ पेंट ब्रश, पेंट ब्रश मोहित के हैंड में है तो इसके साथ क्या आएगा, दिस मोहित के पास है। नेक्स्ट, एन एप्पल ट्री इज पेंटेड ऑन दिस दैट बॉल, एप्पल ट्री मोहित से फार दूर है तो उसके साथ क्या आएगा, दैट, दैट पे आपने टिक करना है। दीज दोज बॉयज आर प्लेइंग विद ब्लॉक्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे बॉयज मैनी है ब्लॉक्स के साथ प्ले कर रहे हैं तो मोहित के पास आए इसके साथ क्या आना है, दीज, ओके दीज पे टिक करना है। अ पेंटिंग इज हैंगिंग ऑन वॉल, पेंटिंग सिंगल है मोहित से दूर है इसके किस पे ऊपर टिक करेंगे हम, दैट। दीज दोज टॉयज आर कलरफुल, कलरफुल टॉयज मोहित के पास हैं मैनी है दीज, दीज पे टिक करेंगे। दैट दिस कबर्ड हैज़ मैनी वॉल्स, कबर्ड कबर्ड ये मोहित से दूर है मैनी दूर है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, दैट, दैट पे टिक करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स डू इट योर सेल्फ, ओके। नेक्स्ट, फन टाइम, यू कैन प्ले दिस गेम एट होम, योर मम्मा ब्रदर सिस्टर, ओके। इसमें आपको मैनी पिक्चर्स दी हुई हैं, ये पिक्चर्स को आपने क्या करना है, दिस वाले वर्ड भी बनाने हैं, दैस वाले सेंटेंसेस भी बनाने हैं, ओके। जो सिंगल है उनके साथ दिस दैट लगाना है और जो मैनी है उनके साथ दिस दोस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस वॉल, इसको आपने दिस के साथ भी लगाना है, दिस इज अ वॉल, एंड दैट के साथ भी बना सकते हो, दैट इज अ वॉल। नेक्स्ट, फ्लावर्स, दीज आर फ्लावर्स एंड दोज आर फ्लावर्स, आप दोनों में से किसी के साथ भी बना सकते हो, ओके। जस्ट गेम, दिस इज अ पेंसिल, दैट इज अ पेंसिल, दिस इज अ सॉरी, दीज आर स्टार्स, दोज आर स्टार्स, दीज आर बैलून्स, दोज आर बैलून्स, दिस इज अ फैन, दैट इज अ फैन। सो ओके स्टूडेंट्स डू इट योर सेल्फ एंड एन्जॉय दिस गेम।